व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द ग्रे। तो कहानी शुरू होती है बर्फ के बीच ढकी एक ऑयल कंपनी से, जहां पे हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे कंपनी ने एज ए वुल्फ हंटर की जॉब पर रखा हुआ है, क्योंकि जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वो चारों तरफ से खतरनाक वुल्फ से घिरा हुआ है और इन्हें हैंडल करना जॉन को बखूबी आता है। लेकिन इतने बहादुर इंसान की भी एक कमजोरी है और वो है उसकी वाइफ, जिसने उसे छोड़ दिया है, लेकिन आज भी वो उसे बहुत प्यार करता है। अब एक दिन वो उसे लेटर लिखकर खुद की जान भी देने वाला था, लेकिन तभी उसे एक वुल्फ की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ उसे अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है। लेकिन यहाँ हमें उसकी एक सच्चाई और पता चलती है कि जॉन को वुल्फ को मारना अच्छा नहीं लगता, पर उसे ये काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी ये मजबूरी है और पैसे सब कुछ करवा देते हैं इंसान से। वेल, कुछ दिनों बाद जॉन और उसकी टीम अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं, पर उस दिन मौसम कुछ खास ठीक नहीं था, लेकिन वो लोग फिर भी जाने को तैयार थे। उनका प्लेन तूफान को चीरते हुए उड़ान भरता है, पर ये पायलट और उसके पीछे बैठे पैसेंजर के लिए मुसीबत बन जाती है। वेल, शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद तूफान बढ़ने लगता है और प्लेन में टर्बुलेंस होना शुरू हो जाती है। अब सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं, सबको इसी बात का डर था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से तुम डरोगे वो तुम्हें और ज़्यादा डराएगी। और देखते ही देखते प्लेन ज़मीन से टकरा जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जब थोड़ी देर बाद जॉन की आँख खुलती है तो वो दूर कहीं बर्फ में ढका होता है और इस टापू पे खून जमा देने वाली ठंड थी, जिस वजह से वो फौरन सबसे पहले अपने साथियों के पास जाता है अगर उनमें से कोई ज़िंदा है। और तभी वो देखता है कि पूरे प्लेन की धज्जियाँ उड़ चुकी थी, चारों तरफ बस लाशें और प्लेन का मलबा बिखरा हुआ था। और इसी दौरान उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसके एक साथी की थी, जो क्रैश में बच गया था। अब जॉन उसे लेके क्रैश हुए प्लेन के अंदर जाता है, जहाँ पे कुछ और सर्वाइवर्स अभी बचे हुए थे जिन्हें वो बचाता है, पर एक आदमी जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है वो उनसे कहता है कि उसे बचा लो, उसकी एक 7 साल की बेटी है। पर जॉन और उसके साथियों के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो उसकी जान बचा पाते, और उसकी ऐसी हालत देखकर जॉन का एक साथी रोने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे बचा नहीं पाते। और उसकी मौत को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके साथ भी यही हो सकता है। अब जॉन कहता है कि हमारे साथ 50 और प्लेन उड़े थे, हमें कोई ना कोई ढूंढने ज़रूर आएगा। लेकिन सच्चाई जॉन को भी पता होती है, वो सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें आग जलानी होगी, अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हम ठंड से ही मारे जाएंगे। अब इसके बाद सब लोग चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं, पर उस प्लेन के आसपास चीज़ों से ज़्यादा इनको लाशें बिखरी हुई दिखती है, और उन्हें देखकर वो लोग बार बार डीमोटिवेट होते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग सामानों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे वो बड़ी ही आसानी से आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस रात जॉन अपने साथियों के पास आ रहा होता है तो अचानक से उस पर एक वुल्फ हमला कर देता है, और यहाँ जॉन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। उसकी आवाज़ सुन के वहाँ उसके सारे साथी आ जाते और उसे बचा लेते हैं, वरना आज शायद जॉन इन लोगों से पहले ही मारा जाता। लेकिन उस भेड़ी ने जॉन को काफी चोट पहुंचाई थी, जिसे देखकर उसके साथी वाले लोग बहुत घबरा जाते हैं। अब यहाँ जॉन माहौल को ठीक करने के लिए थोड़ा मजाक करता है कि अब वो कुछ ही देर में एक भेड़िया बन जाएगा, जैसे फिल्मों में होता है। और तभी उनका एक साथी उन्हें बताता है कि हम जिस जगह पर रुके हैं वो शायद वुल्फ का इलाका है। जॉन पे तो एक ही वुल्फ ने हमला किया है, अगर वो झुंड में होते तो हम कुछ नहीं कर पाते, और अभी हम उनके गुफा के करीब हैं, मतलब कि उनकी रेडियस में है, और वो ज़रूर हम पर दोबारा हमला करने आएंगे। प्लेन के आसपास जितनी लाशें पड़ी हैं उनकी स्मेल सूंघकर वो ज़रूर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जॉन कहता है कि ये सच है, वुल्फ 30 मीटर के दायरे के अंदर झुंड में हमला करते हैं, और ये तय है कि अब वो बार बार आते रहेंगे, इसलिए हमें पहले उन डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाना होगा। और सारे लोग काम पर लग जाते हैं। अब एक डाइस नाम का आदमी होता है जो सबके वॉलेट चुराने लग जाता है, मतलब इस बंदे को अभी भी पैसे चाहिए थे। और उसे ऐसा करते हुए देख जॉन देख लेता है, वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उल्टा जॉन को ही गालियाँ देने लगता है। उस आदमी को ये नहीं पता था कि वो अगले पल जिंदा रहेगा भी ये नहीं, पर उसे पैसे चाहिए थे जो उसकी जान से भी ज़्यादा कीमती थे, इसीलिए शायद कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अब लाश को हटाने के बाद इन लोगों को चारों तरफ से वुल्फ घेर लेते हैं, पर जॉन को पता है कि वो आग से डरते हैं, इसलिए वो मशाल लेके उनके सामने तब तक खड़ा रहता है जब तक वो चले नहीं जाते। लेकिन अब वो कहता है कि
हमें ये जगह सुबह होते ही छोड़नी पड़ेगी क्योंकि भेड़ियों को अब पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा सो लो, मैं यहाँ बाहर पहरा देता हूँ। सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हैंड्रिक सूसू करने जाता है, पर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सूसू होने वाला है। अब उसे अकेला देखकर भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं और जब सुबह होती है तो उन्हें उन लोगों की हैंड्रिक की कटी हुई लाशें प्लेन के बाहर मिलती है, जिसे देखकर सभी की फटकर फ्लावर हो जाती है। लेकिन जॉन का मानना था कि वो हमें खाना नहीं चाहते, वो बस हमें मार रहे हैं। हमें जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह जाना होगा जो चारों तरफ से कवर हो। तभी उसे दूर कुछ पेड़ दिखते हैं जहाँ पे जाना आसान तो नहीं था, पर उन्हें यह करना ही होगा। अब सारे फौरन अपने अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वहीं जॉन को अपनी बंदूक मिल जाती है जिसे वो वुल्फ को मारा करता था। इसके बाद वो कुछ पेट्रोल इकट्ठा करता है और फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पर यह सफ़र इतना आसान नहीं था, बर्फीले तूफान अपनी पीक पर थे और आगे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से ये लोग चारों तरफ से खुले हैं, भेड़िए कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं और होता भी ऐसा ही है। इनका एक साथी पीछे रह जाता है और जब तक इन्हें उसके बारे में पता चलता है वो भेड़ियों का खाना बन चुका था। अब ये देखकर जॉन और लोग भागते हुए उसे बचाने जाते हैं, पर तब तक वो दम तोड़ चुका था और अब इन लोगों को अपना एक एक कदम फूंक कर चलना होगा, वरना किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अब जॉन और उसके बचे हुए साथी आगे बढ़ते हैं, पर लेकिन उन पेड़ों की दूरी अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते और इसी बीच इनके पीछे फिर से भेड़ियों का झुंड पड़ जाता है, जिसे बचना अब नामुमकिन था क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा थे। पर जॉन सबको भागने को कहता और फौरन आग जलाने को बोलता है, जिसे ये डरते हैं, पर इतनी ठंड में आग जलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहाँ जॉन जो पेट्रोल लाया था वो लोग उसकी मदद से आग जला लेते हैं और उसे डर कर सारे भेड़िए भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, किसी रोड की तरफ जाना ज़रूरी है। वेल, अब सभी लोग यहाँ पर रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो जॉन बताता है कि वो अल्फा की आवाज़ है, वो सबसे खतरनाक भेड़िया है, हमें उसे मार कर ही उसे डील करना होगा। अब सारे लोग थोड़ा आराम करते हैं तो डाइस सबका मजाक उड़ाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सारे एक एक करके मारे जाएंगे, ये बंदा जॉन हमारा लीडर है जिसे खुद हमारी ज़रूरत है। तो जॉन उसका जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से डरे हुए हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसे सब लोग तुम्हारी तरह हार मान ले, पर ऐसा होने वाला नहीं है, सब तुम्हारी तरह नहीं है। अब ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता और अपना चाकू निकाल कर जॉन को धमकाने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पर जॉन के सामने वो कहाँ टिकने वाला था, वो बड़ी ही आसानी से उसे गिरा देता है। पर असली मुसीबत अब आती है दोस्तों, एंट्री होती है वुल्फ के सरदारों की, यानी कि अल्फा की, जो इनके सामने ही खड़ा था और इन्हें लगातार घूरता जा रहा था। उसका चेहरा देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि इतना खूंखार भेड़िया आज तक इन्होंने नहीं देखा था। पर जॉन की समझदारी से वो इन पर वार नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को लगता है कि ये बच गए हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ ही देर में डाइस के पीछे से एक भेड़िया उस पर अचानक से हमला कर देता है। अब सभी लोग उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डाइस से बिल्कुल चिपक गया था और फिर जॉन बड़ी बहादुरी से उसे लकड़ी से मार डालता है। अब जॉन कहता है कि ये बस एक मामूली सा हमला था, असल में अल्फा हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था कि हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है, तो फाइनली इन्हें खाना मिल गया था जिसे पकाकर वो लोग खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। पर यहाँ डाइस एक गलती कर देता है, वो उस मरे हुए भेड़िए का सर जंगल की तरफ फेंक देता है, जिससे बाकी भेड़िए तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और वो बताना चाह रहे थे कि हम अपना बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। तो जॉन सबको कहता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा क्योंकि भेड़िए अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। अब सारे लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वही एक रास्ता है जहां से रोड मिल सकती है। सब चलना शुरू करते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद इन्हें एक सेफ जगह मिलती है जहां पे आग जलाकर ये आज रात आराम करेंगे। इसी बीच डाइस कहता है कि हम जिस हालात में फंसे हुए हैं, हमें तो गॉड भी बचाने नहीं आएंगे। तो जॉन बोलता है कि मैं तो नास्तिक हूँ, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो हमारी मदद गॉड ज़रूर करेगा। अब सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं, तो जॉन को उसका बचपन याद आ जाता है जब उसके डैड उसे वुल्फ की कहानियाँ सुनाया करते थे। इसी दौरान उनके एक साथी की तबीयत कुछ ख़राब होने लगती है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी। वेल, फाइनली थोड़ी देर बाद उजाला हो जाता और सब लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए रेडी थे,
पर तभी इन्हें पता चलता है कि जिस आदमी की तबीयत रात में खराब थी वो अब इनके बीच में नहीं रहा। अब वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर जॉन को एक पेड़ मिलता है जिसको किसी इंसान द्वारा काटा गया था। अब वो ये देखकर कहता है कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई आया होगा। और इसी बीच इनके एक साथी को रिवर की आवाज़ सुनाई देती है। तो जॉन कहता है कि हमें रिवर को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा, तभी हम शेल्टर तक पहुँच पाएंगे। अब जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई मिलती है। अब जॉन कहता है कि हम पीछे नहीं जा सकते, हमें ये पार करना ही होगा। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये अपने एक साथी को रस्सी बांधकर दूसरी तरफ भेजेंगे। और वो साथी बड़ी ही बहादुरी से एक छलांग मारता है, लेकिन तभी उसकी रस्सी टूट जाती है। लेकिन जॉन और उसके साथ के लोग सही समय पर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पहुँच कर उस रस्सी को बांध देता है। अभी ने एक एक करके रस्सी को पकड़कर उस तरफ जाना होगा। सब लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आखिरी आदमी की बारी आती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो ऊंचाई से बहुत डरता था। पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दोस्तों उसकी किस्मत ख़राब होती है, उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और इसी बीच वो रस्सी भी टूट जाती है। और तभी वो जाकर दूसरी साइड एक पेड़ से टकराता है। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था पर लेकिन उसमें अभी भी जान बाकी थी। लेकिन जैसे वो नीचे गिरता है उसका खून भेड़िए सूंघ लेते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। तभी उस आदमी को एक आखिरी बार अपनी बेटी का ख्याल आता है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। पेड़ पे बैठे उसके साथ ही ये सब देख रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब जॉन को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचता है क्योंकि उसकी भी एक छोटी सी बेटी थी। अब वो उसकी याद में उसका स्कार्फ अपने साथ रख लेता है। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब इनके साथ जो एक सर्वाइवर था उसकी पैरों में काफ़ी चोट लगी थी, उसका चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अपनी जान सबको बचानी है। पर यहाँ कुछ देर चलने के बाद डाइस भी हिम्मत हार जाता है। वो जॉन से कहता है कि उसे पता है कि वो अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, उसके लिए तो कोई रोने वाला भी नहीं है। तुम लोग जाओ और मुझे इसी खूबसूरत व्यू के साथ छोड़ दो। अब उसके दोनों साथी उसे बहुत समझाते हैं पर वो वहीं बैठने की ठान लेता है। जाते जाते डाइस जॉन को सॉरी और थैंक यू दोनों कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसके अंदर कम से कम जिंदा रहने की एक उम्मीद तो थी। वो दोनों उसे मजबूरन वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और डाइस खुद से कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। जिसके बाद हमें भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि वो भी अब भेड़ियों का शिकार बन चुका है। अब प्लेन क्रैश होने के बाद सात लोग बचे थे जो एक साथ आगे बढ़े थे इसी उम्मीद में कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन अब सिर्फ दो ही लोग बचे हुए हैं। क्या ये बच पाएंगे? क्या ये आखिरी तक जिंदा रह पाएंगे? देखते हैं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वेल, अब जॉन और हेनरिक नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये वुल्फ शायद इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये जंगल इन्हीं का है और यहाँ पर इनका ही राज चलता है। कुछ ही दूरी पे चलने के बाद इनके पीछे भेड़ियों का झुंड पड़ जाता है। अब जॉन आगे भाग रहा था और हेनरिक उसके पीछे पीछे। वहीं पर उस पर एक वुल्फ हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए नदी में वो कूद जाता है। अब यहाँ पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो बहता चला जाता है। जॉन भी उसे देखते हुए आगे बढ़ता है। पहले तो वो उन भेड़ियों को वहां से भगाता है और फिर हेनरिक को बचाने जाता है। वो जिंदा तो था पर उसके दोनों पैर पेड़ के नीचे फंस गए थे। अब जॉन चिल्लाता है और अपने साथी से कहता है कि अपनी सांस रोक कर रखो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और लास्ट बार वो कहता है कि जीसस प्लीज़ इसे बचा लो। और उसके सामने ही उसका साथी तड़प कर मारा जाता है। यहाँ एक बार फिर से नास्तिक बंदा ऊपर देखकर भगवान से अपनी जान की भीख मांगता है क्योंकि अब वो फिर से एक बार अकेले पड़ चुका है। वो अकेला हो गया है, उसका कोई भी साथी नहीं जिंदा बचा है। वेल गाइज, अगर उस रात डाइस उस भेड़िए का सर जंगल में नहीं फेंकता तो शायद आज इनकी जान बच जाती। वेल गाइज, इतना सब होने के बाद वो फिर से हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी भी हिम्मत हार जाती है। उसके लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल हो चुका था। वो अपनी जेब से उन सारे मरे हुए लोगों की वॉलेट बाहर निकालता है और उनको सामने रख देता है। वो सभी के सामने हाथ जोड़कर उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। वो सभी को श्रद्धांजलि देता है और जॉन को पता चल चुका था कि वो भी यहीं दफन होने वाला है। और आखिर में वो उसी लेटर को निकालता है जिसे लिखने के बाद वो सुसाइड करने वाला था। पर यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। वेल, यहाँ इस पूरी कहानी में हमें पहली बार जॉन की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। इसी दौरान हमें दूर अल्फा खड़ा हुआ मिलता है। जॉन उसे देख लेता है और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं।
तब जॉन को वहाँ बहुत सारी लाशें दिखती है और वो समझ जाता है कि यही भेड़ियों की गुफा है और वो बिल्कुल उनकी गुफा के बीच पहुँच चुका है। अब अल्फा खुद जॉन को मारने यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी नज़रों में वही सबसे बहादुर इंसान था। अब यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन बन जाती है और वो दोनों तैयार होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जॉन दोनों हाथों में कांच की टूटी बोतल लगा लेता है और जैसे जैसे अल्फा करीब आता जा रहा था, जॉन के मन में उसके डैड की सुनाई हर कहानी रिपीट होती जा रही थी। वो कहानी थी, एक कदम और ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है और आज ही वो दिन है जहाँ तुम्हें मरना है या फिर मानना है, जिसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। वेल, आखिर में हमें पता चलता है कि ना तो अल्फा जिंदा बचा और ना ही जॉन, दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपने लोगों का बदला ले लिया। सो आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।